Hello everyone, once again welcome to my channel. This is me, Rashmi. आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रेट सोशल रिफॉर्मर जो हमारा लेसन 10 है उसे पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. ग्रेट का मतलब होता है महान, सोशल का मतलब होता है यहाँ पर सामाजिक, पर ये होगा समाज, और रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधारक. इस पाठ में हम लोग हमारे समाज के जो महान समाज सुधारक रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. लुक एट दीज पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो. नीचे जो चित्र दिए गए हैं उसे आप देखो और उसके बाद कुछ प्रश्न है उसे हम लोग करेंगे. ठीक है, तो आप ये चित्र देखिए. ठीक है, ये किसका चित्र है? राजा राम मोहन राय जी का, और ये स्वामी विवेकानंद जी का. तो उसी तरफ यह चित्र जो है हेनरी विविन डेरेजियो का है. ठीक है, जिन्होंने यंग बंगाल नामक मूवमेंट चलाया था, और ये पिक्चर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की है. ये सभी हमारे समाज के महान समाज सुधारक रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक बुराइयों को, जो एक्टिविटीज रही हैं, जो बुरी प्रथाएं रही हैं, उनको दूर करने का काम किया गया है. अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हु आर दीज पीपल्स, ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति, ये जो चारों चित्र दिए गए हैं ये किन किन व्यक्तियों की है. तो आइए हम लोग लिख लेते हैं. राजा राम मोहन रॉय. के दूसरा चित्र स्वामी विवेकानंद जी का है. एक सेकेंड रुकिए. स्वामी विवेकानंद. ठीक है, तीसरा जो चित्र है वो डेरेजियो का है. ठीक है, डेरेजियो का. और जो चौथा चित्र है वो है विद्यासागर का. ठीक है, कौन कौन सा? ये चित्र जो है वो, यह वाला चित्र, ये वाला राजा राम मोहन राय, यह जो दूसरा चित्र है वो स्वामी विवेकानंद, यह तीसरा चित्र हेनरी विविन डेरेजियो, और यह चौथा चित्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है नीचे में, देखिए दिया गया है. वाई आर दे फेमस, ये क्यों प्रसिद्ध थे? ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेते हैं. दे ऑल आर, दे ऑल आर फेमस और सोशल रिफॉर्म. ये सभी समाज सुधार के लिए प्रसिद्ध थे. ठीक है, क्योंकि उन्होंने समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी उन्हें दूर किया था. आइए अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं. इसमें देखिए क्या दिया गया है कि लेट्स मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करो. तो इसमें देखिए इन चारों समाज सुधारकों ने, सोशल रिफॉर्मरों ने जो जो काम किया है उसके साथ मैच करना है. सबसे पहले है विद्यासागर. विद्यासागर जी ने क्या किया था? विद्यासागर जी ने जो वुमेन्स एजुकेशन था, विद्यासागर ने
वुमेन्स एजुकेशन के साथ साथ विडोरी मैरिज को भी स्टार्ट किया था, विधवा विवाह जो था, ठीक है, विधवाओं का जो पुनर्विवाह था उसको स्टार्ट किया था। हम यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, इससे हमें मैचिंग करने में इजी होगा। तो विद्यासागर जी का क्या था, उन्होंने विधवाओं का पुनर्विवाह किया था, स्टार्टेड विडोरी रीमैरिज, विधवाओं का पुनर्विवाह। तो वहीं पर जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्प्रेड द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा, स्प्रेड मैंने फैलाना। उन्होंने भाईचारे का जो संदेश था उसे, उसका प्रचार प्रसार किया था, उसको फैलाया था, ठीक है। तीसरा जो है राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय ने क्या किया था, उन्होंने सती प्रथा को स्टॉप किया था, ठीक है। बच्चों आपको पता है सती प्रथा क्या होता है, कि जब कोई पुरुष मर जाता है, पहले समय में यह प्रथा चलती थी कि जब कोई पुरुष मर जाता था तो उसकी जो पत्नी होती थी वह उसके साथ ही साथ अग्नि पर में भस्म हो जाती थी, चिता पर बैठ जाती थी, जिसके कारण वह भी जलकर भस्म हो जाती थी। तो इस प्रथा को सती प्रथा के नाम से जाना जाता था, और राजा राममोहन राय ने इसे कहा कि यह एक बहुत ही बुरी प्रथा है और इसको बंद करवाना चाहिए, और राजा राममोहन राय जी के अथक प्रयासों से इसे बंद कर दिया गया, ठीक है। और इसके बाद चौथा है हेनरी विविन डरेजियो। डरेजियो ने क्या किया था, डरेजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्टेड किया था, ठीक है, शुरू किया था। तो ये हम लोगों ने जो मैच किया था उसको कर दिया। अब देखिए ये क्या लिखा गया यहाँ पर, देखिए, द पर्सन इन कॉलम ए वेयर ऑल ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स। ये कॉलम ए में जितने भी हैं वो सभी महान समाज सुधारक है, ठीक है। नाउ लेट अस रीड अबाउट ए ग्रेट वुमेन। आइए अब हम एक महान औरत के बारे में पढ़ते हैं, अ नोटेड सोशल रिफॉर्मर और बंगाल, फ्रॉम बंगाल। अब हम बंगाल से एक महिला समाज सुधारक के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही विख्यात रही है। लेट अस रीड, शुरू करते हैं। तो देखिए इनको बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये कौन है जो कि बंगाल की एक महिला समाज सुधारक है और काफी प्रसिद्ध भी है। तो देखिए, शी इज बेगम रोकिया, ओके, बेगम रोकिया, अ रिमार्केबल वुमेन हूज efforts considerably changed the state of female education in Bengal. Remarkable का मतलब होता है स्मरणीय, वुमेन यानी महिला, effort का मतलब होता है प्रयास, considerably का मतलब होता है काफी, चेंज्ड यानी परिवर्तन, स्टेट का यहां मतलब है अवस्था, फीमेल का पुनः मतलब है महिला योगा, और एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। इन बंगाल, बंगाल में महिलाओं की शिक्षा की जो अवस्था थी उसको परिवर्तित करने में बेगम रोकिया जी का नाम स्मरणीय रूप से लिया जाता है। यानी पहले जो था बंगाल में महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी शिक्षा के क्षेत्र में, और वहां पर बेगम रोकिया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। हर फुल नेम वॉज बेगम रोकिया शेखावत हुसैन, उनका पूरा नाम क्या है, बेगम रोकिया शेखावत हुसैन। She was kind and generous
द डिसएडवांटेज वुमेन ऑफ बंगाल. वे काइंड यानी दयालु, और जेनरस का मतलब होता है उदार. टू द डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज का मतलब होता है वंचित, वुमेन ऑफ बंगाल. बंगाल में जो शिक्षा की दृष्टि से जो काफी वंचित स्त्रियां थी, जिन्हें पढ़ने लिखने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता था, उनके प्रति बेगम रोकिया जो थी, बेगम रोकिया के दिल में काफी ज्यादा दया और उदारता थी. एंड एक्सटेंडेड हर हेल्पिंग हैंड टू द पुअर एंड द हेल्पलेस. इसके साथ ही साथ उन्होंने, एक्सटेंडेड का मतलब होता है विस्तार, ठीक है, विस्तारित. उन्होंने अपनी जो सहायता का हाथ था वो गरीब और असहाय लोगों के लिए बढ़ाया था, ठीक है. हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय, ठीक है. ही वॉज द पायोनियर इन सेटिंग अप ए स्कूल फॉर द पुअर मुस्लिम गर्ल्स ऑफ बंगाल. पायोनियर का क्या मतलब होता है? पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक यानी कि जो मार्ग दिखाती है, ठीक है, पथ प्रदर्शक स्कूल. एक्चुअली क्या होता था, पहले जो मुस्लिम लड़कियां थी उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उन्हें स्कूल जाने का अधिकार नहीं था. बेगम रोकिया जो थी वो पहली स्त्री थी जिन्होंने गरीब मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला था. उन्होंने लोगों को यह बताया कि लड़कियों के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए भी स्कूल खोला जाना चाहिए. शी स्ट्रॉन्गली बिलीव्ड, वे यह विश्वास करती थी इन द नीड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फॉर वुमेन. वे महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा में विश्वास करती थी, ठीक है. मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो वैसे, ठीक है. एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, पढ़ाई लिखाई. तो बेगम रोकिया यह मानती थी कि लड़कियों को भी स्कूल जाना चाहिए, उनको स्कूल जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है. बेगम रोकिया वॉज बॉर्न इन एन एफ्लुएंट मुस्लिम फैमिली. एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी. अब बेगम रोकिया जी के जीवन के बारे में बताया जा रहा है कि बेगम रोकिया जो थी उनका जन्म एक धनी मुस्लिम परिवार में हुआ था. दो सी नेवर वेंट टू स्कूल, परंतु फिर भी वे स्कूल कभी नहीं गई. रोकिया एजुकेटेड हर सेल्फ थ्रू हर ओन इंटरेस्ट एंड एफर्ट. रोकिया जो थी उन्होंने खुद से ही पढ़ाई की थी, अपनी ही रुचि और प्रयास के द्वारा, यानी खुद कोशिश करके. उनको पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था. रुचि का मतलब, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, और एफर्ट का मतलब होता है प्रयास. अपने ही प्रयासों के द्वारा उन्होंने पढ़ाई की थी. सी लर्नड अरबिक, उन्होंने अरबी सीखा, एंड पर्शियन, फारसी भाषा, जो पर्शियन भाषा होती है उसको सीखा एट होम, घर पर ही. एंड ऑल्सो रिसीव्ड लेसन इन बंगाली एंड इंग्लिश. इसके साथ ही उन्होंने घर पर ही बंगाली और इंग्लिश भी सीखा. सम ग्रेट बुक्स रिटन बाय हर, उन्होंने कुछ अच्छी किताबें भी लिखी बोथ इन बंगाली एंड इंग्लिश, विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर. उन्होंने इंग्लिश और बंगाली में कुछ बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा. तो ये हमें बेगम रोकिया जी की जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में पता चलता है. आइए अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है. तो इसमें जो सबसे पहला है वो देखते हैं एक्टिविटी वन. एक्टिविटी वन में कहा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. तो देखिए पहला वाला, बेगम रोकिया वॉज बॉर्न, बेगम रोकिया का जन्म हुआ था इन एन एफ्लुएंट, ए डबल एफ एल यू ई एन टी, एफ्लुएंट मुस्लिम
फैमिली, ठीक है, उनका जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। एट होम सी लर्नड, घर में उन्होंने क्या क्या सीखा, बेसिकली उन्होंने अरबिक एंड पर्शियन सीखा था, ठीक है। तीसरा वाला, सी नेवर वेंट, वो कहाँ नहीं गई थी कभी भी टू स्कूल, स्कूल कभी नहीं गई थी। सी रोट, उन्होंने क्या लिखा था, सम ग्रेट बुक्स, ठीक है, सी रोट सम ग्रेट बुक्स बोथ इन बंगाली एंड इंग्लिश, उन्होंने बंगाली और इंग्लिश दोनों में ही किताबें लिखी थी। आइए एक्टिविटी टू देखते हैं। एक्टिविटी टू में क्या कहा गया है कि टेबल ए एंड टेबल बी हैव वर्ड्स विथ ऑपोजिट मीनिंग, यानी यहाँ पर जो ऑपोजिट वर्ड है उनको मैच करना है। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला है काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु, ठीक है, तो दयालु का क्या होगा, क्रूअल, क्रूअल यानी क्रूर, ठीक है, ए नंबर। पुअर यानी गरीब, तो गरीब का क्या होगा, रिच, अमीर। एडवांटेज, जिसको ज्यादा फायदा मिला हम कह सकते हैं, तो उस एडवांटेज का ऑपोजिट क्या होगा, डिसएडवांटेज। और रिमेम्बर यानी याद करना, और फॉरगेट यानी भूल जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है उसे करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन।